हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष सोलंकी। यू आर वाचिंग मी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था फिलहाल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट दीदी, आपको इस चैनल पे कंटिन्यूस दिख ही रहे होंगे, सो आज मैं दिखूंगा आपको चैनल पे। बहुत दिनों के बाद और बहुत अच्छा लग रहा है चैनल पे वापस आके, और मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ और चेंजेस करेंगे चैनल पे। और वैसे मैं हर बार सोचता हूँ कुछ होता नहीं है, हाँ। बट आज हम लोग देखने वाले गैसलाइट मूवी का एक ट्रेलर है जो कि सारा खान की मूवी है, विक्रांत मैसी और चित्रांगदा सिंह, ये तीनों इसमें हैं। और गैसलाइट एक मूवी का नाम थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट लेट्स सी मूवी कैसी होने वाली। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हॉरर टाइप मूवी है, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कंसीडर करना कि आप लाइक करें, और कमेंट का ज़रूर करना बिकॉज कमेंट से रियल इंटरेक्शन होती है हमारे बीच में, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लाइक से भी हो जाती है बट हाँ, कॉमेंट से ज़्यादा होती है। तो कॉमेंट कर देना, कुछ भी हाई बोल देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर फर्स्ट। ये चित्रांगदा है। So good to see you, Misha. Welcome home. हो, ये मीशा है। Hi, Rukmini. अच्छा, ये शायद इसकी मॉम होगी, पर ये इसको मॉम मानती नहीं है, तो रुक्मणी बोल दिया। Don't worry. तीन चार दिन में आ जाएंगे, और तब तक Okay. Step mom. वो सच में बहुत खुश हैं कि तुम। ये क्या कर रही है? फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? The real queen of Mayagarh has returned. खबर आई थी मेरे पास। दादा कहाँ हैं? शायद कपिल जी को पता हो। राजा साहब का सारा कामकाज वही तो देखते। राजा साहब के बहुत करीब होके भी मैं उनकी निजी जिंदगी से कोसों दूर। दादा? Misha, can you hear me? अच्छा, इसके पापा Are you sure, Misha? So you mean to say कि रतन वापस आ गया और हम सबके साथ लुका छुपी खेल रहे हैं? I know मैंने क्या देखा। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने राजा साहब को वहाँ पे देखा, और यदि देखा तो मिसिंग कैसे हैं? और अगर मिसिंग हैं तो किसे देखा? मुझे बस इतना पता है कि दाता ने मुझे यहाँ बुलाया और वो खुद गायब है। और उनका फोन ऑफ क्यों है? कल दाता की बॉडी यहाँ थी। ये हंस रही है, रो रही, क्या कर रही है? One murder mystery. पर कोई ऐसा करेगा क्यों? मुझे कैसे पता? Scared. मुझे तो पता नहीं कि चित्रांगदा पे डाउट हो रहा है, बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, पुलिस वाले पे भी डाउट हो रहा है। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे कि इसको चित्रांगदा ने और पुलिस वाले ने डराया, तो उसको सारे जवाब वहीं से मिलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जो चित्रांगदा और पुलिस है, ये दोनों ने आई थिंक उसको मारा है, या नहीं भी मारा है, आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक ये हॉरर मूवी भी मुझे लग रही है, बिकॉज पहले उसको रात में दादा की लाश मिली थी कार में, लेकिन उस टाइम उसने नहीं बताया, और सुबह बता बोला कि वहाँ पे थी, मतलब रात में उसने उस लाश को वहीं छोड़ दिया था और फिर वो चली गई। पता नहीं, मतलब थोड़ी वियर्ड स्टोरी है, बट ये मूवी सस्पेंसफुल है और थ्रिलर है, एक्शन नहीं है, बट ये स्टोरी का प्लॉट थोड़ा हॉरर टाइप है और वो बहुत अच्छा है। और फर्स्ट टाइम सारा अली खान को मैंने इस टाइप की मूवी करते हुए देखा है, और मतलब देखा तो है इस टाइप की मूवी में, बट इसमें कास्ट बहुत ज़्यादा अलग है, जैसे चित्रांगदा पुलिस वाला, ये इसमें हीरो भी है, मतलब हीरो के साथ पता नहीं मुझे सारा लिखा कि वो जम नहीं रही है, बट कास्ट थोड़ी ठीक नहीं लगी मुझे, बट क्योंकि वो पता नहीं लगी, बट हाँ ओवरऑल मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी,
जो कलर ग्रेडिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जो उनने लोकेशन यूज़ की वो बहुत प्यारी है, तो उस लोकेशन पे जाके उनने उसको शूट किया है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा वीएफएक्स करता कुछ के, उनने खुद जाके अच्छे से शूट किया है, वो मुझे अच्छा लगा। और बस यही मुझे कहना था, फर्स्ट लुक मेरा यही था गैस लाइट, जो कि हॉट स्टार पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप देख लेना। और अगर आप मेरी बात करो तो मैं इसे एक बार देख सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ अगर हमें कुछ टाइम हो तो, बट पता नहीं, मतलब देख भी सकते इस मूवी को, नहीं भी देख सकते, ऐसे कुछ कह नहीं सकते ट्रेलर को देख के। ट्रेलर को देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी, बट कभी कभी क्या होता है ट्रेलर में सारे अच्छे सीन्स सबको दिखा दिए जाते हैं और मूवी में कभी कभी कुछ होता नहीं है। बट कुछ भी हो सकता है, ये मूवी में कुछ और सस्पेंस हो सकते हैं ट्रेलर पर। अब मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ मूवी अच्छी है कि नहीं, बट ट्रेलर काफ़ी अच्छा था इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा था, बट मुझे कास्ट अच्छी नहीं लगी। ये था मेरा पूरा कंक्लूजन, सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।